खबर जोधपुर के लूणी से है, जहां उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार विधायक महेंद्र विश्नोई ने टिड्डी प्रभावित गांव का दौरा किया और किसानों को टिड्डी से बचाव के उपाय भी बताए। साथ ही गिरदावरी के लिए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान चरना गांव में उपखंड अधिकारी और विधायक के साथ टिड्डी नियंत्रक दल भी मौजूद रहा और फायर ब्रिगेड की सहायता से स्प्रे का छिड़काव कर टिड्डियों को भगाया। वहीं पूर्व विधायक जोगाराम पटेल भी मौके पर पहुंचे और थाली बजाकर टिड्डी को भगाने में सहायता की। टिड्डी दल का परसों से ही हम लोग उसका पूरा कंट्रोल के उपाय कर रहे हैं और कल दिन भर दुदड़ा क्षेत्र में पूरा किसानों को जागरूक किया। आज कल रात को जो भाचरना में इन्होंने जो अपना अड्डा बनाया तो उसके लिए 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 3 टिड्डी दल के जो भारत सरकार का उनकी गाड़ियां और एक दवा मेलबा में भी गाड़ी भेजी हुई है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि टिड्डी इसको दल को पूरा रोका जाए। भाचरना गाँव पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर टिड्डी दल टिड्डी का पूरा इनका प्रकोप आ गया और जो इसके अंदर प्रशासन पूरा कल सुबह से यहाँ लगा हुआ है। कल धुंधाड़ा के अंदर आशंका थी प्रशासन को, वहाँ पे नहीं आया, इस साइड में आ गया तो प्रशासन पूरा अलर्ट है और जो यहाँ पे जो खेतों के अंदर और जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से बात करके उनको पूरा मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की।